अध्याय 4। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उनका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्ग दूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब उसने ये सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो वो गलील को चला गया। वो नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नपताली के देश में है जाकर रहने लगा, कि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। जबूलून और नपताली के देश झील के मार्ग से यर्दन के पार अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। वे मछुए थे। उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा। उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। सारे सूर्या में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में पड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया से और यर्दन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली।